तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलेज के ओवरऑल रिव्यू की। पीछे आप देख ही पा रहे होंगे मुझे लगता है, तो आसाम यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हम यहाँ पे पूरा आसाम यूनिवर्सिटी की डिस्कशन करने वाले हैं, क्या कैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन फिलहाल जो हम यहाँ इसमें बात करेंगे वो लॉ कोर्सेज से रिलेटेड बात करने वाले हैं, क्योंकि भाई यहाँ कहीं ना कहीं हम लॉ के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। सीयूटी के बेसिस पे भी आपको लॉ कोर्सेज ये प्रोवाइड करा रही है असम यूनिवर्सिटी, और कम स्कोर पे भी मिल रहा है बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज में, लॉ की अगर हम बात हटा दें तो। अदरवाइज यहाँ पे क्या कैसी ऑप्शंस हैं, फैसिलिटीज़ हैं, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्या बच्चों के रिव्यूज़ हैं इनकी फैसिलिटीज़ को लेकर, इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आपके लॉ कोर्स के लिए क्या क्या यहाँ पे सिलेबस होने वाला है, इन सारी चीज़ों को करने वाले हैं। तो भाई अगर आप भी टारगेट असम यूनिवर्सिटी को कर रहे हैं तो बिल्कुल आखिर तक इस वीडियो को देखना है। हो सकता है 5-7 मिनट की हो जाए वीडियो, लेकिन इससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी असम यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दोस्तों में शेयर करना भी नहीं भूल रहे हैं, और पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको सारी अपडेट्स लॉ के कोर्सेज, कॉलेजेस, करियर से जुड़ी यही इसी चैनल पर सबसे पहले मिल जाए। चलिए, असम यूनिवर्सिटी अच्छा खासा नाम है, हालांकि ये नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटी है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं साउथ इंडिया के हो गए या फिर नॉर्थ वेस्ट साइड के हो गए तो कम प्रेफर करते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के आसपास के बहुत सारे बच्चे प्रेफर करते हैं, या फिर हम बात कर ले बिहार की, वेस्ट बंगाल की आसपास के, तो वो सारे बच्चे जो हैं इसको प्रेफर कर सकते हैं। कर तो सभी सकते हैं, है ना, आपके ऊपर है, लेकिन जनरली जो प्रेफर करते हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे ओवरव्यू की बात कर ले तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है, और साथ ही साथ ये सेंट्रल पब्लिक यूनिवर्सिटी कोएड, ठीक है, यहाँ पे सिलचर असम में ये सिचुएटेड है, ठीक है। कब हुआ था भैया इनका एस्टैब्लिशमेंट, 1994 में हुआ था, तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से उस समय बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है फाउंड करी गई थी, इस्टैब्लिश करी गई थी, उनमें से एक ये असम यूनिवर्सिटी भी थी। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए पार्लियामेंट से ही एक्ट बनाया जाता है, पास किया जाता है, वो सारी चीज़ें। चलिए हाइलाइट्स की बात कर लें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो इनका मोटो है वो मोटो क्या है, प्रबोध कृति रूप पर। इस मोटो का मतलब मुझे नहीं पता। हाँ, अगेन ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है, 1994 में ये इस्टैब्लिश करी गई थी, 30 साल लगभग हो गए हैं इनको, अच्छा खासा अनुभव हो चुका है, नेक का एक्रेडिशन इनको मिला है। इसके अलावा एकेडमिक अफिलिएशन जो है UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, AIU ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, और ACU से इनको अफिलिएशन या मिले हुए हैं। चांसलर जो है अरूप राह साहब, इसके अलावा वाइस चांसलर राजीव मोहन पंत है, गवर्नमेंट ऑफ असम इसका रेक्टर है, विजिटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी विजिट कर चुके हैं, जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये रूरल कैंपस है, और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट aus.ac.in, ये आप जाके और विजिट कर सकते हैं, ताकि डिटेल में आपको जानकारी मिल जाए अलग अलग कोर्सेज के लिए। फिलहाल तो हमने लॉ के लिए तो सारी चीज़ें यहीं रख ली है। NIRF रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, हाँ भाई, क्योंकि हम भी तो देखें कि क्या कैसे इनकी रैंकिंग है, क्या है। तो NIRF रैंकिंग जो है वो 101 से 150 के बीच में यूनिवर्सिटी के लिस्ट में है। एशिया पैसिफिक की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे 751 से 800 के बीच में नंबर आता है, और साउदर्न या सदर्न एशिया की बात कर ले 238 के नंबर पे इनका अलग अलग रैंकिंग जो है वो मिली है। NIRF को हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं भैया, है ना, ऑफिशियल हो जाती है और थोड़ा सा, ठीक है। कोर्सेज क्या ऑफर कर रहे हैं, तो कोर्सेज आपके पास BA LLB ऑनर्स का एक कोर्स है, BA LLB ऑनर्स, ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, आपको याद रखना है, हैं, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। इसके अलावा LLM का एक कोर्स है इनके पास अवेलेबल। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्यूशन फी जो है BA LLB 18,000 करीब, और LLM के लिए 7,200 रुपये करीब फ़ी इनकी है, ये ईयरली होगी, है ना। CUET के बेसिस पे आपको BA LLB में भी एग्जाम में एडमिशन मिल जाएगा, ग्रेजुएशन में 50%, CUET PG के बेसिस पे LLM कोर्सेज में एडमिशन आपको मिल जाएगा। तो वे सभी बच्चे जिन्होंने CUET दिया है वो भी टारगेट कर सकते हैं बिना किसी समस्या के, ठीक है। चलिए आगे बात करें इनकी कोर्सेज के साथ साथ स्पेशलाइजेशन क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं। तो स्पेशलाइजेशन जो आपको मिल सकती है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, IPR, क्रिमिनल लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, टैक्सेशन, लेबर, कॉरपोरेट और गवर्नेंस, फैमिली और मीडिया लॉ। हालांकि ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके कवर होंगे इस कोर्स में, है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, ऑब्वियस ही बात है। चलिए आगे बात कर ले सिलेबस की, तो सिलेबस तो 10 सेमेस्टर का होगा यार, है ना, 10 सेमेस्टर का है, तो हम ओवरव्यू ही ले लेते हैं। जैसे ये क्या क्या आपको पढ़ना होगा, यहाँ पढ़ना होगा इंग्लिश को तो ऑब्वियस ही है, क्योंकि क्लैट वगैरह भी अगर आपने दिया होगा तो उसमें भी
हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता ही है पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि पॉलिटिक्स में अपन को ध्यान देना है, हिस्ट्री बैकग्राउंड जानना है, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, लॉ ऑफ टॉट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, इसके अलावा जनरल इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सेकंड वाले पार्ट्स आ जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ये वॉल्यूम थर्ड हो जाते हैं ना, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हिस्ट्री ऑफ कोर्ट्स, लेजिस्लेचर, लीगल प्रोफेशनल इन इंडिया, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस 4, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये भी पढ़ा दिया जाता है, बहुत अच्छी बात है। जेंडर जस्टिस एंड फेमिनिस्ट अप्रोच आजकल जो चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फैमिली लॉ, लॉ ऑफ क्राइम्स, IPC की जगह आप नयापन BNS पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस हो गया, लॉ एंड लैंग्वेज हो गया, जर्नलिज्म मास सेकेंड हो जाएगा, फैमिली लॉ सेकेंड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC जिसको हम बोल रहे थे, हालांकि अब BNSS हो जाएगा, जुरिस्प्रूडेंस हो जाएगा, इसके अलावा लॉ ऑफ एविडेंस हो जाएगा, CRPC लिमिटेशन हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, रेंशियल क्लिनिक कोर्स, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे। आर्बिट्रेशन हो जाएगा, कंसाइलेशन और अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इन्वायरमेंटल लॉ, इंश्योरेंस, ह्यूमन राइट, कंपनी लॉ, क्लिनिकल लॉ, लेबर लॉ, असम लैंड लॉ, असम यूनिवर्सिटी के कारण, वैसे आप जनरली जिस स्टेट में हैं तो उसके भी लैंड लॉज आपको पढ़ने ही होंगे, ठीक है। इसके अलावा लॉ ऑफ पॉवर्टी, डेवलपमेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूशन, ठीक है, क्लिनिकल कोर्सेज, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे, ठीक है। क्या क्या एलिजिबिलिटी है ये इंपॉर्टेंट है, हमने हालांकि डिस्कस तो कर ही लिया है कि CUET के बेसिस पे आपको मिल जाने वाले हैं। 12th क्लास में मिनिमम 50% हो, और अगर इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, हाँ ये भी मैं बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंग्लिश सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है वहाँ पे मेन, तो इंग्लिश में 45% आपके होने चाहिए अलग से, CUET को एक्सेप्ट कर रहा है। 5 ईयर का ये कोर्स है, 60 सीट्स ये प्रोवाइड करा रहा है, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, 3,000 रुपये प्रति माह का खर्चा लगता है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या यहाँ पे होने वाली है इस चीज़ को लेकर। फी स्ट्रक्चर हमने देख ही लिया था कि क्या क्या कैसा है, ईयर वाइज हम देखें तो कुछ फर्स्ट ईयर का ये कुछ चार्ज है ऐसा, एडमिशन फीस का ये है, ट्यूशन फी का ये है, और फीसेस ये कुछ है, तो ऐसा कुछ चल जाता है, ऐसे ही ईयर वाइज आपका अलग अलग लगने वाला है, तो बहुत ज़्यादा चार्ज भी नहीं है, याद रखिए बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, अदर देन और यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का तो इतना एडमिशन फीस ही लग जाती है। प्लेसमेंट की बात करें तो अभी पहला बैच इनका नहीं निकला है ना, अभी 10th सेमेस्टर में ही चल रहा है, तो अब होंगे प्लेसमेंट, जैसे ही मिलेंगे रिजल्ट्स तो हम आपको अपडेट कर देंगे, बाकी ठीक है, कोई समस्या ऐसी है नहीं, पहला बैच निकलेगा, इसके बाद अब निकलना कंटिन्यू चालू हो जाएंगे, तो सारी चीज़ें बनेंगी, अलमनाइज वगैरह भी बहुत बढ़िया होने वाले, सारी चीज़ें। स्कॉलरशिप के एक क्राइटेरिया, यहाँ स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, हालांकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी या लगभग सभी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के ऑप्शंस होते हैं, वो बात ये है कि आपको पता नहीं होता इसलिए नहीं पता चल पाती चीज़ें। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिल जाती है किसको, SC स्टूडेंट को, असम के ST, OBC, MOBC है ना, स्टूडेंट ऑफ असम, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ असम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है SC के लिए, ST, OBC, MOBC के लिए, SC, ST के लिए ONGC स्कॉलरशिप भी मिलती है, ST, SC के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो ये सारे की सारी स्कॉलरशिप हैं, अगर आप रिलेटेड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे फाइनेंशियली प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए, फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे आपको मिल जाती हैं, जैसे करियर काउंसलिंग और प्लेसमेंट सेल है ही जो अभी रिजल्ट देने वाला है, डोंट वरी, सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन लेबोरेटरी, कंप्यूटर सेंटर, जिमनेजियम, हेल्थ केयर सेंटर, हॉस्टल एकोमोडेशन, इंक्यूबेशन सेंटर, मेजर साइंटिफिक इक्विपमेंट, NCC ट्रेनिंग, NSS सेल, स्कॉलरशिप, फॉलोशिप, स्पोर्ट बोर्ड हो गया, स्टूडेंट डिसिप्लिन, स्टूडेंट वेलफेयर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, यूनिवर्सिटी जनरल, यूनिवर्सिटी मैगजीन, ये सारी फैसिलिटी हर यूनिवर्सिटी में रहती है, लेकिन हाँ पता तो रहे हमें कि यार ये है भी, कई बार तो आपको पता ही नहीं चलेगा, 4 साल 5 साल निकल जाएंगे, अच्छा ये भी था क्या, हमें तो पता ही नहीं है, तो ऐसा हो जाता है। अगेन ये डिपेंड आप पे करता है कि आप किस चीज़ को चेक करना चाहते हैं। रिव्यूज़ की बात कर लें यहाँ पे, तो बच्चों के ही रिव्यू हैं, देखो यार ये है ना, जो यहाँ के बच्चे हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की हम यहाँ बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बच्चों के रिव्यू हैं वो क्या कह रहे हैं कि प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन, स्पोर्ट, गेम्स, ATM, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, क्लीन रूम है, वाईफाई है, फैसिलिटी लैब है, प्रोजेक्टर है, हॉस्टल फैसिलिटी, मेंटेनेंस, ये क्या है सब एवरेज हैं, ये याद रखना, मतलब बहुत अच्छे नहीं है लेकिन ख़राब भी नहीं बोल सकते, ठीक है। फैकल्टी की क्या बच्चों के रिव्यू हैं,
तो यहाँ पे एक्सेलेंट फैकल्टीज जो अकेडमिक्स में हेल्प कर देती हैं, स्किल इम्प्रूवमेंट को बढ़ावा देती हैं, क्वालिटी रिलेवेंस और कोर्स करिकुलम वगैरह में बच्चों के लिए वर्क कर रही है। इंडस्ट्री टीचर्स क्या है, थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं क्या करने के लिए, नॉलेज विद स्टूडेंट, है ना। अब यार देखो ये हर टीचर के साथ होता है, उसको अगर लगता है कि ये बच्चा लायक है तो ही वो शेयर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, वो अपना काम कर देगा जितना बेस्ट एंड बेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, आप थोड़ा सा अप्रोच करेंगे तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। हाँ, कैंपस कैंपस की बात कर लें तो यहाँ पे हाँ ग्रोथ डेवलपमेंट स्किल के साथ ट्रेनिंग कॉम्पिटिटिव एज कैंपस बहुत सारे इवेंट को होस्ट करता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ टैलेंट शोकेस कास्टिंग और मेंटल रिफ्रेशमेंट सारी चीज़ों को अरेंज करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब यार कंपैरिजन आप करेंगे किसी से भी, DUU से कंपैरिजन कर लोगे तो यार वैसे ही ऑब्वियसली बात है कम लगेगा, है ना। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की अपेक्षा भी कम लगेगा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है कोशिश करते हैं लेकिन उनका जो शेड्यूल है उससे वो वैसे ही पीछे हो जाते हैं, तो इन एक्टिविटीज़ को ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश नहीं करते। बाकी वो माहौल पर डिपेंड करता है, आप लोग थोड़ा सा फोर्स करेंगे नई चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। मतलब ये कोई बहुत वैसा नहीं है यार कि फेस्ट वगैरह आपके हर 15 दिन में महीने भर में फेस्ट ही होते रहे, नहीं नहीं, आप हर 4 महीने में 6 महीने में एक आध फेस्ट चले तो अच्छा भी लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखती है। ये असम यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लॉ के कोर्स आपको UG PG भी दे रही है, साथ ही साथ कम फीस स्ट्रक्चर है, हॉस्टल फैसिलिटी है, बहुत सारी यहाँ पे अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं ही जो बेसिक होनी चाहिए, बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे सोसाइटीज़ भी हैं जो आपको ग्रो करने में मदद करेंगी, ठीक है। तो ये पूरी बात किसकी रही हमारी, असम यूनिवर्सिटी की। अगर अभी भी कोई डाउट्स बचे हों तो ज़रूर नीचे कमेंट करिएगा, हम उनको रिजॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों में शेयर करना है और लाइक ज़रूर करना है, साथ ही साथ पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।